सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। अमित कुमार, जिला कन्नौज कोतवाली छिबरामऊ में PRB 3545 पर तैनात हूँ। मैं सुबह 6 बजे पहली शिफ्ट में ड्यूटी गया था। जैसे ही मैं ड्यूटी गया, ड्यूटी देने के बाद लगभग मैं 12:30 बजे मेरे दोस्त की कॉल गई मेरे पास, बोले कि तुम्हारे रूम में आग से धुआं निकल रहा है। जैसे ही मैं 12:50 के लगभग रूम पे आया तो आके देखा कि मतलब रूम में वो दोस्त मेरा सामान को निकाल रहा था। जैसे ही मैं रूम में आया तो मैंने भी बहुत सारा सामान निकाला। उस टाइम पे रूम में घुसने के लिए धुआं था, इतना धुआं था कि मतलब रूम में रुका नहीं जा रहा था। जैसे तैसे करके पानी वानी डाल के हमने सामान निकाला है। सामान में मेरी 2 फोल्डिंग प्लस 2 गद्दे, बेड शीट, तकिया वगैरह वगैरह, 3 वर्दी, 2 प्राइवेट कपड़े भी हैं और कुछ मेरी ज्वेलरी चोरी भी हुई है। क्या लग रहा है चोरी की नीयत से आग लगाएगी क्या? कुछ कह नहीं सकते। सबसे मेन बात यह है कि कुछ समझ लो, या तो चोरी की नीयत से लगाई गई या फिर हमारी कोई पुरानी कोई मान रहा होगा कि हमसे कोई रंजिश है। अब कह नहीं सकते, अगर चोरी की मतलब से निकालता तो चोरी करके ले जाता, आँच लगाने का क्या मतलब था? जबकि उसमें आँच लगाने में मिट्टी के तेल की बदबू आ रही है, उसमें न्यूज़पेपर भी पड़े हैं जबकि हमारे रूम में कोई न्यूज़पेपर नहीं था। वर्दी भी टंग रही थी जो एंगर पे, वो वर्दी जल गई, बाकी कपड़े जो टंग रहे थे वो सेफ हैं। जबकि वर्दी जला के एंगर पे टंग रही है तो प्लास्टिक का एंगर है, एंगर भी जलना चाहिए था, एंगर नहीं जला, बर्दी जलने का कारण है। साजिश एक ताला नहीं लगा था? ताला लगा हुआ था, ताला टूट के मतलब खुला हुआ है और उसमें बिना लगे फंसा हुआ है, कौड़े में कुंदे में फंसा हुआ मिला था। साजिश के तहत हुआ है ना? देखो कुछ भी, अब कुछ कह नहीं सकते, बाकी देखो पता चलेगी। प्राइवेट रूम है या सरकारी? नहीं, सरकारी क्वार्टर, थाने में कोतवाली मंदिर, नई बिल्डिंग का जस्ट पीछे क्वार्टर। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।